Hello students, welcome to class 6 math session. Today we are continuing with the chapter 1 jo hamara hai knowing our numbers. Today we are going to look for some more word problems. Abhi isse pehle wale session mein aapne kya dekha tha? We talked about the distance kaise hum distance ko calculate karte hain, and we also talked about to say the values with the प्लेस वैल्यू थिंग. मीन्स हम 3140 ऐसे ब्रेक डाउन करके नहीं बोल सकते. वी हैव टू से 3140 किलोमीटर या जो कुछ भी है. एंड वी ऑल्सो सॉ कि हमने उसमें क्या सीखा था कि कैसे हम केजीज़ को भी जो हमारा ये केजी हमारा किसका यूनिट है जब हम किसी सॉलिड थिंग का लाइक हमने एप्पल्स का देखा था कि एप्पल्स ऑरेंजेस इतने केजी हैं. तो हमने उसके साथ ये भी सीखा था व्हेन वी आर डूइंग दीज कैलकुलेशंस वी हैव टू राइट द यूनिट्स. ओके, सो ये हमारा पहले सेशन था. आज थोड़े से और वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ हम लोग चलते हैं. तो अब हमारा देखिए ये है पॉपुलेशन ऑफ सुंदर नगर वॉस. ओके, आप पढ़ सकते हैं अब इसको विथ प्लेस वैल्यू. नहीं पढ़ सकते हैं तो हम लोग क्या सीखा है हमने. वी विल कीप ऑन काउंटिंग विद फ्रॉम वंस टेंस हंड्रेड और तब देखते हैं. तो हमारा क्या है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख. धीरे धीरे आप लोग ये भी लर्न कर ले कि अगर हमारा सिक्स डिजिट नंबर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 सिक्स डिजिट नंबर है तो हम लैख से बोलना शुरू कर सकते हैं. हमारी वो यूनिट क्या गई जो हमारे पास वैल्यू है 2,35,471. यह हमारा क्या है पॉपुलेशन नंबर. अब पॉपुलेशन को वी डोंट गिव एनी यूनिट है ना. ओके, जैसे अगर आप कहें देयर आर 3 पर्सन्स तो हम केजी करके थोड़ी बोलेंगे या लीटर करके थोड़ी बोलेंगे हम, क्योंकि वो हमारे नंबर ऑफ पर्सन्स हैं. तो इसमें कोई हमारी यूनिट नहीं चलेगी. तो हमारे कितनी पॉपुलेशन है 2,35,471. ठीक है. नाउ अब आप देखिए इसमें क्या है. अब ये जो पॉपुलेशन है ये 1991 में है. नाउ इन द अच्छा ईयर्स को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं 1991 नहीं पढ़ेंगे. ईयर को कैसे होता है अभी है तो 2017 या आप बॉर्न कब हुए थे 1996 उसमें हम यूनिट्स को. तो कुछ कुछ चीज़ों का हमारा बोलने का जो तरीका है इट्स डिफरेंट. ओके, सो ये नहीं है हर बार एवरी नंबर यू काउंट फॉर द with the place value. Now in the year 2001, okay, so हम यहाँ पर हमने इसको 2001 करके पढ़ा तो थोड़ा सा हमारा ये बोलने के different process है. एक standard form है जिसको हम लोग follow करते हैं. It was found to be increased by 72,958. तो please look at the question. Increased by, अभी मैं आपको ये वर्ड पर फोकस करने के लिए कह रही हूँ. सो जब पूरा क्वेश्चन करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड मैं क्यों फोकस करने के लिए कह रही हूँ. नाउ व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001. आया समझ में आपको. सो दिस वाज नॉट द टोटल पॉपुलेशन. ये था कि पहले इतना था उसमें इतना इंक्रीज हो गया है. आपको कैलकुलेट करना है कि 2001 में व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन. सो देखिए जब हम लैंग्वेज सम्स करते हैं हमें एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से वी हैव टू रीड इट आउट. अगर हम क्विकली अगर पढ़ेंगे जल्दी से पढ़ेंगे तो वी कैन मिस की पॉइंट्स. तो अगर आप जल्दी पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि ये भी एक मतलब 2001 में इतनी पॉपुलेशन है लेकिन उससे पहले लिखा है इंक्रीज्ड बाय. तो यू हैव टू की फोकस ऑन द लैंग्वेज ऑफ द सम. ओके, नाउ सो इंक्रीज बाय तो दिस मीन्स हमें अगर पॉपुलेशन निकालनी है इन 2001 तो जो हमारी 1991 में पॉपुलेशन थी डेट वॉज 2,35,471 उसमें इंक्रीज हुआ ना तो वी आर गोइंग टू ऐड 72,958. तो जब हम ऐड करेंगे तो देखिए एडिशन आप लोगों ने इतना हम लोगों ने एक्सरसाइज करी है. शुड आई शो इट टू यू. नहीं, आप लोग खुद भी कर सकते हैं तो इसलिए आपको एक रफ एस्टिमेट हमने
यहाँ पर दे दिया कि हमारा देखिए 8 + 1 9, 7 + 5 = 12, 5 + 14 = 6 + 8, 3 + 7 = 10 and 2 = 1, 3। देखिए तो अगर आपके सामने ऐसे हैं तो आपको हमेशा कहते हैं कि जब आपके सामने कोई ऐसे आंसर लिखा होता है तो यू शुड ऑलवेज चेक इट अगेन। आपको पहले बताया है ना, बिकॉज देयर आर चांसेस कि आपका प्रिंटिंग में मिस्टेक हो सकती है, तो बेटर यू चेक इट अगेन। तो अभी हमने चेक करा जो इसमें लिखा है, इट्स टोटली करेक्ट। तो हमने इनिशियल जो हमारे पास पॉपुलेशन नंबर था उसमें इंक्रीज का ये करा, तो दिस वॉज द टोटल पॉपुलेशन। तो आपका आंसर ऐसे लिखा जाएगा, टोटल पॉपुलेशन इन कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, 2001 की ना, यस इन 2001। तो इस वे में आप पूरा आंसर अपनी कॉपी में लिखेंगे। डू यू गेट इट क्लियर? सो आपका ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, एंड दिस यू कैन डू विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। कैसे कि यू हैव 10 पेंसिल्स एंड योर पेंसिल्स आर इंक्रीज बाय 5। नाउ द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स डेट यू हैव, तो 10 + 5 = 15। तो द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स नाउ यू हैव इज 15। ओके, सो इस टाइप से आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कोई एक गेम बना के खेल कर ऐसे जल्दी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज आपको मालूम है ना हम वर्ड प्रॉब्लम से ले रहे हैं, तो जो हम लैंग्वेज है उसको बहुत ध्यान से फिर से पढ़ेंगे। तो इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाइसिकल्स सोल्ड इन द ईयर 2002 टू 2003, मतलब एक साल के अंदर वॉज, ओके सिक्स डिजिट्स हैं तो हम कैसे पढ़ सकते हैं, 7,43,000। जैसे हमने देखा सिक्स डिजिट, हम पहला जो नंबर होता है उसके बाद लैक्स बोलना है, फिर तो थाउजेंड्स आना है और हंड्रेड्स, वेरी सिंपल। सो इन द ईयर 2003 टू 2004 द नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड वॉज अगेन सिक्स डिजिट, 8,00,100। ओके 8,00,100 भी बोल सकते हैं। इन विच ईयर, अब आप क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए, वर मोर साइकिल्स सोल्ड, ज़्यादा कौन से ईयर में सोल्ड हुई, तो आप देखकर एकदम पहचान सकते हैं, दिस इज 7,43,000, दिस इज 8,00,100, विच वन इज मोर, 7 या 8, 7 लैक्स 8 लैक्स 8 लैक्स ना, यस ओके एंड हाउ मैनी मोर। तो हमें इस पार्ट क्वेश्चन का तो हमें पता चल गया कि कौन से ईयर में हमारी हुई, क्योंकि 8,00,100 इज मोर, इसलिए 2003-2004 में ज़्यादा सेल आउट हुई ना। हाउ मैनी मोर, कितनी ज़्यादा सेल हुई, तो कितनी ज़्यादा, तो टू फाइंड आउट हाउ मैनी मोर वी डू द सब्ट्रैक्शन। क्लियर? इसका पहले हम ये सब्ट्रैक्शन से पहले एक आपको एग्जांपल्स देते हैं। आपके पास 6 पेंसिल्स हैं, आपके फ्रेंड के पास 4 पेंसिल्स हैं, तो आपके अपने फ्रेंड से हाउ मैनी मोर डू यू हैव पेंसिल्स, 2 ना, 4 अगर आप अपनी 2 हटा देंगे तो इक्वल हो जाएगा, आपने 2 और ज़्यादा ली तो आपके क्या हो गया, आपके उससे ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो 6 और 4 का के इस टाइप से, तो हाउ मैनी मोर के लिए जो ग्रेटर वैल्यू होती है उससे हम क्या करते हैं, जो स्मॉलर वैल्यू होती है वी सब्ट्रैक्ट एंड वी गेट द आंसर। सो अगेन हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करा, देखिए माइनस साइन इज देयर, नाउ कैलकुलेशन इज देयर, वी आर गोइंग टू चेक वंस मोर, 0 - 0 = 0, 0 - 0 = 0, 1 - 0 = 1। अब हमारा बोरो सिस्टम स्टार्ट हो गया, तो ये 10 बन गया, 10 - 3 = 7, नाउ यू नो ये 9 बन गया, 9 - 4 = 5, अब क्या हो गया 7 यहाँ पे बचा, तो 7 - 7 = 0, कैलकुलेशन इज राइट। ओके सो अब हमारे पास वैल्यू क्या आई, 5,7,100, इज दिस राइट वे टू से, नहीं है ना, इसको कैसे, कितनी डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स 1000, सिक्स डिजिट में हमारा लैक्स आता है, तो 57,100। ओके
इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 57,100. तो हाउ मैनी मोर साइकिल्स वर सोल्ड. तो आपका आपका ये आंसर लिखने से काम नहीं होगा, आपको आफ्टर कैलकुलेशन यू हैव टू राइट के 57,100 मोर साइकिल्स वर सोल्ड. ओके, इस टाइप से यू हैव टू राइट द आंसर. जब भी लैंग्वेज सम होता है तो वी हैव टू गिव आंसर राइटिंग सम लैंग्वेज. नेक्स्ट, एक और आपका है, द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, वन कॉपी हैज 12 पेजेस. आपके पास न्यूज़पेपर आते हैं ना, पेजेस आते हैं ना, तो एक जो आपके पास न्यूज़पेपर है उसमें 12 पेजेस हैं. तो एवरी डे 11,900 कॉपीज आर प्रिंटेड. कॉपीज आर प्रिंटेड है ना, पेजेस नहीं, कॉपीज आर प्रिंटेड. नाउ दे आर आस्किंग फॉर टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे. हाउ मैनी टोटल पेजेस. तो क्या है, कॉपीज का नंबर हमें मालूम है, वन कॉपी में 12 पेजेस है, डेट वी नो. तो आपको हमने बताया है, प्रीवियस सेशन में भी सीखा था, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ वन एंड यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मोर देन वन, क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई. हमने इसको मल्टीप्लाई करा, अगेन द कैलकुलेशन इज देयर, हम इसको चेक करेंगे एंड देन वी विल कम टू नो हमारा कैलकुलेशन ठीक है. 2 0s are 0, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 19, 2 1s are 3, 2 1s are 2. और ये हमारा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पहला जो होता है या तो हम जीरो लिखते हैं या इसकी जगह हम क्रॉस भी लगा देते हैं. तो आप जो लोग करते हैं आप वो अप्लाई कर सकते हैं. और 11,980 हमारा आ गया. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 9 plus 8 17, 4 9 13, 2 3 4 1. अगेन इसके आगे यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट इन योर कॉपी. इज दिस थिंग क्लियर. नाउ एक और क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000. ठीक है, ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ नोटबुक. अब आप, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि आपका जो शीट्स अवेलेबल है वो 75,000 है और एक शीट जो है वो 8 पेजेस ऑफ नोटबुक बनाती है. ठीक है, ईच नोटबुक में 200 पेजेस हैं. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे. हाउ मैनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल. ओके, सो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो यही जो क्वेश्चन में दे रखा है हम इसी टाइप से लैंग्वेज में उसको सॉल्व करते हैं. तो ई शीट मेक्स 8 पेजेस, ठीक है, और 75,000 शीट्स विल मेक हाउ मैनी पेजेस. तो फर्स्ट, सबसे पहले वी विल कैलकुलेट हाउ मैनी पेजेस दैट ये हमारी शेप बनेंगे. सो हम क्या करेंगे, तो 8 × 75,000 करेंगे. 8 × 75,000 जो होगा वो आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 मीन्स 6 lakhs. तो ई शीट मेक्स 8 पेजेस, तो 75,000 विल मेक इतने 6 lakhs पेजेस. ओके, नाउ अब क्या है आपके पास, तो आपके पास इतने पेजेस, 6 lakhs पेजेस अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स. ठीक है ना, ये अगर आप चाहें तो यहां पे आप लिख सकते हैं 6. ओके, तो 6 lakhs पेजेस अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स. तो 200 पेजेस मेक वन नोटबुक. क्लियर हो गया ना, तो 6 lakhs पेजेस विल मेक कितने नोटबुक्स. तो उसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे. तो ये जो वैल्यू हमने स्लैश लगाया है, दिस मीन्स दिस इज अ डिविजन.
डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 3000 नोटबुक्स। तो अब आप देखें, तो दिस द मेन थिंग दैट यू आर लर्निंग टुडे, इसमें है कि इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ वन एंड यू हैव टू कैलकुलेट मोर देन वन तो यू मल्टीप्लाई। लेकिन आपका बहुत ज़्यादा का आपके पास वैल्यू है और आपको एक का नहीं और ज़्यादा का कैलकुलेट करना है, तो हम उसका डिवीजन करते हैं। तो हमारे पास था कि 200 पेजेस एक नोटबुक बनाती है और हमारे पास 600 पेजेस हैं, तो कितनी नोटबुक्स बनेंगी, तो उसके लिए हमने वी हैव डन द डिवीजन। ओके, सो आज के उसमें हमने, आज हमने क्या सीखा, हमने यही बात सीखी कि कैसे हम अपनी लैंग्वेज सम्स में किस टाइप से हम लैंग्वेज को वी हैव टू रीड वेरी केयरफुली, वी हैव टू लुक फॉर की वर्ड्स कि वो हमसे क्या पूछना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है वेदर वी हैव टू डू एडिशन लाइक इन फर्स्ट सम, सब्ट्रैक्शन लाइक इन द नेक्स्ट सम, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। लास्ट सम में आपने देखा हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हमने कैलकुलेट लिया और डिवीजन मेथड को भी हमने लिया, क्योंकि इसमें हमें पहले टोटल वैल्यू निकालनी थी और उससे हमें आगे की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए डिवीजन करना पड़ा। सो किड्स, दिस इज द टाइम टू एंड द सेशन, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, सेम चैप्टर करेंगे लेकिन विद अ न्यू टॉपिक। बाय, टेक केयर।